बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। मेरे पास ये कुर्सी अरबी के लिए जो टैंक लगता है वो है खजफ सऊदी का, तो इसको कैसे फिटिंग करते हैं आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। किस जगह पे फिटिंग होता है मैं दिखा लेता हूँ। ये मैंने अंडरग्राउंड पाइप डाल दिया था, क्यों उसका पाइप जो है अक्सर टूट जाता था तो बार बार चेंज करना पड़ता था। इसको मैंने अंदर ही रख के इसके लगा दिया। थोड़ा इसके जो ये पैप आ रहे इनके पीछे मैंने रखा, थोड़ा कुआ पीछे है, यहाँ से मैं साफ़ करूँगा, क्योंकि इसको मैंने इसको गरा वगैरह नहीं लगाया। इसको निकाल के कितना साइज चाहिए रख के मैं इसको काट के फिर उसके बाद कंप्लीट करूँगा। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो शक्ल अच्छा नज़र आता है, दूसरा बार बार पाइप जो है वायर ओपन जो होता है ख़राब हो जाता है। इसमें ख़राब नहीं हो गया, तो देख सकते हैं कितने कितना मोटा डाला है, फिटिंग किया मैंने। इसके ऊपर मैं क्या रखूँगा, इस तरह करके पैप मैंने रखा हुआ है। अभी इसके ऊपर मैं ऐसे करके रखूँगा ताकि दीवार के साथ इस तरह टच हो जाए। इस तरह करके टच होगा तो ये टैंक जो है आराम से बैठ जाएगा। आप लोगों को दिखाऊँगा, पहले इसको ओपन कर लो। ठीक है, इसका सामान ये ये नीचे का, ये ऊपर का, जितना लंबाई में काफ़ी है, इसको मैं काट के जितना कर सकूँ करूँगा, तकरीबन इतना रखूँगा। चलिए इसको फिट कर लेते हैं, पहले इसको ओपन कर लूँ। ये इसका टैंक पानी फुल होने पे बंद होता है। ये इसकी कुर्सी और ये खींचने वाला, और ये इसमें से पानी दे। सबसे पहले ये मैं फिट करूंगा, ये नट नीचे आएगा, ये ऊपर से सी आएगा। ये वाशर लाजमी रखना चाहिए ताकि पानी ले जाना। डायग्राम भी दिया हुआ उसके अंदर, से अच्छी तरह जितना आप टूल ट्रैक्ट कर सकते हैं करना, क्योंकि पाइप रेंच वगैरह से यूज करेंगे तो ये इसका चूड़ी टूट जाता है। ये मैंने ट्रैक्ट कर लिया, अभी देखूंगा पानी वाला किस साइड में आता है, पानी वाला इस साइड में रखूंगा, पानी वाला इस साइड में रखूंगा। ये भी इसी तरह टाइट कर लेंगे, इसको थोड़ा प्लास की मदद से थोड़ा मैं इसको टाइट करूंगा ताकि ये हो चुका है। जो है ये वाला रस्सी वाला जो है ये अंदर से आएगा इस तरह करके, थोड़ा सा इसका लॉक को तो बनाना पड़ता है। देख सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं इसे बैठ गया। इसके बाद ये वाला नीचे जो आएगा इसको अंदर बैठाऊंगा। इसके बाद ये देख सकते हैं, ये पहले ये कट बना हुआ, इसको दबा के उठाऊंगा।
ऐसी से मैं इसको थोड़ा दबा दूंगा, इसको मैंने बाहर बैठाना था लेकिन याद अभी आया, इस तरह दबाने के बाद इसको घुमा के इस जगह पे लेके आएंगे। इसको हल्का से ऐसे करके इसके अंदर कर देंगे, तो ये हो गया। इसके बाद जो है एक और ये वाला पैक, इसका ध्यान रखना कि ज़्यादा अंदर नहीं करने का। और उसके बाद ये वाशर जो है, ये वाशर इस तरह करके बैठेगी, ये वाशर जो है इस तरह करके बैठेगी। इसको हल्का सा इधर से इतना बेंड दे सकते हैं, कम से कम मैं कट से थोड़ा रखूँगा, सिर्फ कितना अंदर जो है 3 सेंटी तक जाना चाहिए, ज़्यादा जाएगा तो पानी जो है फिर लीक होता रहेगा। 3 सेंटी में रखूँगा, ठीक है। इसको मैं काट लूँगा, इस तरह मैंने इसको काट लिया और अच्छी तरह इसकी किनारी जो है साफ कर देंगे ताकि रबड़ कटे ना। इसके बाद ये वाला रबड़ इस तरह आएगा, इसको इसके अंदर इस तरह कर लेना, इतना से अंदर रहे बस, ओके। तो सब बाहर निकालना था। उसके बाद इसको जो है इस तरह बैठाना, रबड़ को दबा देना का। दबाने के बाद ये वाला नट जो है ऊपर से इस तरह करके इसके ऊपर, इसके ऊपर टाइट करने का। बस ये ध्यान रखे कि रबड़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छी तरह टाइट करने का। ये टाइट हो चुका जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको सीधा एकदम रखने का। ये हमारा जो है सिर्फ तैयार है, देख सकते हैं किस तरीके से बैंड जो है दीवार की तरफ है ताकि दीवार के साथ अटैच हो जाए, या थोड़ा बाहर है। अभी उसको मैं साफ कर लूँगा, उसके बाद ये कुर्सी नाप के लगाऊंगा। कुर्सी वाली जगह ये है, देख सकते इसकी कुर्सी ये है, यहाँ पे आएगी। इसको नाप के मैं लगाऊंगा, उससे पहले ये रस्सी जो है इसको मैं लगाऊंगी। ये देख सकते हैं इस पर गांठ की है, इसको गांठ कैसे देते हैं वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इस तरह करना, ये आगे हदीद लगा हुआ है, इसको जो है यूं करके सेंटर में रख के इसको टाइट कर देना ताकि वो सुराख से जो है बाहर ना निकले। इस तरीके से देख सकते हैं भी है, थोड़ा नज़दीक से इस तरीके से, इस तरीके से बनना। ये देख सकते हैं इस तरह खींचेंगे तो ये बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सुराख बड़ा है, गांठ से नहीं निकलता। पहले मैंने ट्राई किया था, अभी इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। साफ़ करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह मैं ये वाला बैठाऊंगा। इसको मैंने साफ़ कर लिया, जैसे पैप निकाल लिया मैंने, पहले तो उसको साफ़ किया ताकि कचरा इसके अंदर ना जाए, क्यों सुराख में अगर मिट्टी फंस गया तो पानी ये टैंक लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने कागज़ लगा दिया था ताकि मिट्टी इसमें ना जाए। और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अभी इसको इस तरह रखूँगा और नाप लूँगा कितना चाहिए। इस टाइप से आएगा, देख सकते हैं दीवार के साथ टच है।
और पूरा पूरा रखूँगा, ठीक है। इसको नाप लूँगा कितना गैप है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कितना काट है, काट के इसमें फिट किया। तो मैंने काट लिया करंटर की मदद से, देख सकते हैं 9 सेंटी है वो खाली जगह पे, वो था 4 सेंटी, 4 सेंटी वो, और 2.5 सेंटी इधर, और 2.5 सेंटी इधर, 5 सेंटी ये, 4 और 5 9 सेंटी मैंने काट लिया। अभी इसको इसके अंदर रखूँगा मैं अच्छी तरह बैठा के, अंदर तक बैठा लूँगा इसको। उठाने के बाद उधर बैठा के देखूँगा आके सही बैठ गया कि नहीं। इसको जो है ऐसे करके ये सीधा होना चाहिए, ये बैठ गया, और ये देख सकते हैं दीवार के साथ एकदम टच हो गया। अभी इसके अंदर मैं गला लगाऊंगा इसको पकड़ने वाला, उठा के इसको ऊपर टंकी रख के देखूंगा किस जगह पे आता है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको अच्छी तरह साफ कर लें, और इसको भी इस तरह करके इसको हल्का सा भी लग जाएगा तो इतना ही बहुत पानी का मसला नहीं है। और अच्छी तरह इसको साफ कर लें, साफ हो चुका है। इसके बाद उस जगह पे लगाएंगे। उससे पहले जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्या चीज, ये टैंकी वाल जो है देख सकते हैं बहुत खुला है, और अगर ये पैप लगाएंगे एक पीस इस जगह पे, ताकि थोड़ा सा टेप लगा के तो उसमें फिटिंग कर देंगे। मेरे पास ये एक पीस बचा है छोटा सा, इसी को लगा दूंगा, लगा के ताकि थोड़ा सा टेप लगा के इसमें बैठा दूंगा। अगर नहीं है तो हम सिलिकॉन भी लगा सकते हैं, गरा जो होता है तो उससे भी जैन बन जाएगा इसका, ताकि पानी लीक नहीं होगा। इसको मैं लगा देता हूँ ऊपर, आप लोगों को दिखाऊंगा। इसको भी मैंने गरा लगा लिया, ये देख सकते हैं पीस काट के इसके बराबर कर दिए ग्राइंडर से, भी इसको बैठाएंगे। एकदम इसको सीधा कर लेंगे ताकि बाद में जो है मसला ना खड़ा हो। ओके हो गया। अभी वो टैंक लगा के इसके ऊपर रख के निशान लगा के उसके बाद नाप के लेवल करके मैं बनाऊंगा इसको। पाइप हमारा लंबा है इसलिए उसके में आएगा तकरीबन तकरीबन मैं 3 सेंटी 3.5 सेंटी रखूँगा, और से मैं काट के ताकि ऊंचा ज़्यादा ना हो। चलिए मैं काट लेता हूँ, 3.5 सेंटी मैं रखूँगा ये बैंड से इधर तक, 3 सेंटी मैंने काट लिया, साफ कर लूँगा से। तरीके से आएगा दिखा देता हूँ, इस तरह आएगा दरवाजे को बंद करूंगा, इससे इस टाइप से आएगा। अभी मैं लेवल लेवल रखूंगा और निशान लगाऊंगा, मैं इन जगहों पे निशान लगाऊंगा, उसके बाद नाप के यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है ना, तो कुर्सी टायर कर दूंगा, यहाँ पे निशान लगाऊंगा दीवार पे, फिर उसके बाद जो है कितना नीचे आएगा नाप के ये कुर्सी लगाऊंगा। मैं यहाँ पे रख के लेवल ये सुराख वाले से ये सुराख निशान लगाया,
और इस कुर्सी का लगाया, अभी देखूंगा यहाँ से नीचे कितना, ठीक है उतना रख के नीचे में रख के लगा लूंगा, एकदम 100% आएगा पूरा, ठीक हो गया। ये हमारा लगभग आएगा 1 सेंटी यहाँ से नीचे मैं निकाल लगाऊंगा, ओके 1 सेंटी भी नहीं, अगर स्वाब का साब लगाऊंगा तो 2 सेंटी पे मैं रखूंगा, इस निशान से 2 सेंटी ये वाला मैं लगाऊंगा, ठीक है। इस तरह रख के इसका लेवल निकाल लेंगे और इसके बाद ये स्वाब निशान लगाऊंगा, जैसे कि आप लोग देख सकते निशान लगा लिए। अभी वो कुर्सी रख के 2 सेंटी नीचे कर लूंगा, निशान लगा लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे रख के इसको 2 सेंटी नीचे करके निशान लगा के लेवल करके उसका निशान लगाऊंगा, देख सकते हैं मैंने इसको निशान लगा लिया यहाँ पे आया थोड़ा इस साइड में, ये इस साइड में, अभी इसमें ड्रिल करूंगा। जब तक टैल है, जहाँ तक टैल है तो आस्ता आस्ता इसको सुना है, ताकि टैल नहीं टूटे, स्लो स्लो कर रहा ताकि टैल टूटे। देख सकते हैं के बाद जो है इसके ऊपर लेवल रखेंगे, देख सकते हैं इसका लेवल हो चुका है, ठीक है। हल्का से इधर से और ऊपर करें आधी लेवल में, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइट करके ये कॉर्ड ये लगी है मेरे पास 60 सेंटी जो कि नहीं आ रहे, इसकी जगह पे ये लगा दें, लेकिन टेप लगाएंगे पहले, मैं चेक कर रहा हूँ जोड़ी इस तरह कर, इसको लगा लेंगे फिर टाइट करेंगे, नहीं टेप मैंने लगा ली, इसको टाइट करूंगा। यहाँ पे कर लेंगे ताकि जिसका पानी वाला ऑटोमेटिक है वो घूम ना जाए, इसको ऐसे में इधर से पकड़ के टाइट करूं, फिर आप लोग बताता। उसको मैंने टाइट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया, ये वाला टेप जो है ये नीचे ये वाले यहाँ पे लपेटूंगी इतनी कि उसके अंदर आराम से चले जाए, पानी लीक ना करे, ज़्यादा टाइट भी ना हो और ज़्यादा नरम भी ना हो, एकदम पानी लीक हो। देख सकते हैं ट्यूब लगा दिए, इसको आस्ता आस्ता दीवार के साथ सीधा टका के इसको दबा देना, ताकि भी देख सकते हैं मैंने इसको उठा दिया अच्छी तरह। इसके बाद ये जो है यहाँ पर लगाऊंगा, असल में इसकी जगह ये है, लेकिन मैं अभी पानी चालू करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ताकि आप लोग देख सकें इसको डट वाली
इसके बाद मैं लही थोड़ा लंबा लेके आऊँगा, क्योंकि ये पुराना काम हुआ हुआ है, अगर होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे गीज़र रखे गए, इसको इसके नज़दीक लेके आना चाहिए, लेकिन बहुत नीचे रखा, नीचे बहुत ज़्यादा, पीछे से मैं पानी खोलूँगा। फुल हो जाता है तो कितना रखना है, अभी बना हुआ क्लास यहाँ तक होना चाहिए, इससे नीचे जितना आप लोगों को चाहिए उतना रख सकते हैं, यहाँ से जस्ट मेट लगी हुई जितना चाहिए वहीं पर कचरा आ गया था, उसकी वजह से पानी फ्लोट हो रहा था और बस पीछे गया, जितना लेबर चाहिए था उनको फुल हो चुका है, अभी इसको खींचेंगे देखना। ओके, अभी इसका ढक्कन ऊपर करूँ, अगर ये वाला ख़राब हो जाता है इसमें ये हाथ वाला भी आप रस्सी बांध सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप लोग रस्सी उठने दे रख सकते हैं, इसके ऊपर बांध सकते हैं इसको, इस तरह करके इसको हल्का सा दबा देने का, इस तरह ये लॉक हो जाएगा। ओके, अभी हमारा कहीं से पानी भी लीक नहीं हो रहा, योर ओके है, बस यहाँ से ध्यान रखना है कि पाइप ज़्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि वो जो पानी निकलने वाला होता है सिस्टम ऊपर रहेगा तो पानी लीक होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी एक बार आपको ट्राई करा दीजिए, यहाँ से भी अरे ये रस्सी निकल गई है, इसको दोबारा बांध के मैं सेट करता हूँ, इस तरह करके बांधना ताकि सुराख में दोबारा ना, इस तरह करके ये वीडियो कंप्लीट हो जो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।